अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक क्या है, आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने क्लास 10th केमिस्ट्री का टॉपिक स्टडी करना है, चैप्टर नंबर 2 का ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने दो लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, हमने स्टार्ट कर लिया था चैप्टर नंबर 2। हमने पढ़ लिया था कि एसिड बेस क्या होता है, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिर उसके कितने कॉन्सेप्ट्स हैं। तीन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने एसिड बेस की केमिकल डेफिनेशन पढ़नी है, जिनमें हमने आर्हेनियस थ्योरी पढ़ ली थी। अब आज हमने ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी पढ़नी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लेविस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने केमिकल डेफिनेशन पढ़नी है, केमिकली इन कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग एसिड बेस की डेफिनेशंस क्या हैं। तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था, अब क्या है हमारे पास? ब्रॉन्स्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट है। देखते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी क्या कहते हैं। देखिए, इन 1923 डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड एंड इंग्लिश केमिस्ट लोरी इंडिपेंडेंटली प्रेजेंटेड देयर थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। इन्होंने क्या कहा, ब्रॉन्स्टेड लोरी क्या थे 1923 में? ब्रॉन्स्टेड और लोरी दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो ये एक डेनिश केमिस्ट थे और लोरी जो है वो एक इंग्लिश केमिस्ट थे। तो दोनों ने मिलकर एसिड बेस के कॉन्सेप्ट पर काम किया और अपनी एक थ्योरी पेश की, जो किसकी भी एसिड बेस की थ्योरी थी, और उसका बेस क्या थी, यानी वो किस बेसिस पर बनाई गई, उसकी बुनियाद क्या थी, उसका कॉन्सेप्ट क्या था इस थ्योरी का। उसका कॉन्सेप्ट था प्रोटॉन ट्रांसफ़र, यानी इन्होंने एसिड बेस को डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफ़र एंड एक्सेप्टेंस, यानी प्रोटॉन के एक्सेप्टेंस पर और प्रोटॉन के ट्रांसफ़र पर इन्होंने जो थ्योरी पेश की वो एसिड बेस की थी। अब इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस की डेफिनेशन क्या है? तो देखिए, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस दैट कैन डोनेट प्रोटॉन एच प्लस टू एनी सब्सटेंस। अब देखिए, हमें ये बात पता है कि हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, और जब वो प्रोटॉन उसे चला जाता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर से, जब किसी भी एलिमेंट के पास जब प्रोटॉन की कमी होती है तो उस पर क्या चला जाता है? प्लस का। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन उस वक्त बनता है जब उसके पास इसका प्रोटॉन रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, लॉस हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, एसिड की डेफिनेशन क्या थी कि एसिड वो सब्सटेंसेस होंगे जो अपना प्रोटॉन यानी एच प्लस दे देंगे, डोनेट कर देंगे, दूसरे सब्सटेंस को दे देंगे, और बेसिस वो होंगी जो एच प्लस ले लेंगे, यानी देने वाले एच प्लस देने वाले क्या होंगे? एसिड्स होंगे, और एच प्लस को लेने वाले कौन से होंगे? बेसिस होंगी। ये था हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट। अब इसको हम मज़ीद समझते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेस बोथ रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म H3O आयन। H3O आयन को हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। तो इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अब जाहिर सी बात है, देखिए हमें ये बात पता है कि जब भी वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो ये H प्लस आयन बनाता है और OH माइनस आयन बनाता है। ठीक है, अब जब इसका ये H प्लस आयन जब वाटर ब्रेक होता है ना, और H प्लस आयन OH माइनस आयन बनता है। अब ये मीडियम में मौजूद है, यानी पानी के अंदर H प्लस आयन मौजूद है, लेकिन हमने ये बात पिछले टॉपिक में पढ़ी थी कि H प्लस आयन ज़्यादा देर तक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्या करता है, ये वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, H3O प्लस, ये कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में हमें ये बात समझ में आई कि एसिड क्या करता है, प्रोटॉन को देता है, और बेस क्या करती है, प्रोटॉन को लेती है। बट जब ये दोनों हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं, और पानी हमें ये चीज़ें दोनों ये डिकम्पोजिशन उसकी हो रही होती है, तो पानी की मौजूदगी में ये क्या बना रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सारी बेसिस क्या है, प्रोटॉन पर सारी जो कहानी है वो किसके ऊपर है, प्रोटॉन के ऊपर है। तो जब प्रोटॉन हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल में पड़ा होगा, या पानी में प्रोटॉन मुसलसल बन रहा है, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ठीक है, तो यानी एसिड होगा या बेस होगी, दोनों क्या करेंगे, वाटर से रिएक्ट करके H3O प्लस आयन को बना देंगे। अब हमने जो एसिड की डेफिनेशन समझी और बेस की डेफिनेशन समझी, इसको हम ज़रा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास क्या है, HCl और NH3। हमें पता है HCl एक एसिड है, NH3 बेस है। अभी हमने किस बेस पर कहा कि HCl क्या करता है, अपना प्रोटॉन डोनेट करता है किसको, NH3 को। ठीक है, HCl क्या करता है, प्रोटॉन देगा तो डोनेशन ऑफ H प्लस आइन क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, और उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगी। तो एसिड क्या हुआ, HCl, और बेस क्या हुई, NH3। अब जो एसिड ने प्रोटॉन NH3 को दिया, तो उसकी वजह से क्या बना, NH4 प्लस बना, यानी अमोनियम आयन बना, और Cl माइनस आयन बना। ठीक है, तो देखिए HCl acts as an acid, HCl क्या कर रहा है, एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये अपना H प्लस आयन दे रहा है, जबकि NH3 किस तरह एक्ट कर रही है, एज अ बेस एक्ट कर रही है, क्योंकि वो H प्लस आयन जो HCl दे रहा है वो उसको एक्सेप्ट कर रही है, जबी तो NH4 प्लस बन रहा है। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं, HCl और वाटर के दरमियान रिएक्शन हो रहा है। अब देखो, HCl अगेन अपना प्रोटॉन देगा किसको, वाटर को। अच्छा, वाटर की ये क्वालिटी है
कि एज अ एसिड भी बिहेव करता है और एज अ बेस भी बिहेव करता है। तो इसीलिए ऐसे सब्सटेंस जो एज अ एसिड भी बिहेव करते हैं और एज अ बेस भी बिहेव करते हैं उनको एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं पर हमें वाटर के ऐसे एज अ एसिड बिहेव करता हुआ नज़र आता है और कहीं पर बेस बिहेव करता हुआ नज़र आता है। तो अब देखिए एच सी एल यहाँ पर क्या है, एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि अपना प्रोटॉन दे रहा है, किसको दे रहा है? वाटर मॉलिक्यूल को। तो अभी हमने यहाँ पर ये बात पढ़ी थी कि अगर एच प्लस आइन वाटर मॉलिक्यूल के पास आएगा तो वो क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आइन एच थ्री ओ प्लस। तो देखिए एच सी एल को जब एच सी एल जब अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा एच टू ओ को तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आइन एच थ्री ओ प्लस और साथ में सी एल माइनस आइन निकल जाएगा। तो देखिए एच सी एल एक्स एज एन एसिड, एच सी एल कैसे बिहेव कर रहा है? एज एसिड बिहेव कर रहा है, जबकि एच टू ओ कैसे बिहेव कर रहा है? एज अ बेस बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब देखिए सो हेयर अ कॉन्सेप्ट डेवलप कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब यहाँ तक तो हो गई वो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, लेकिन ब्रोंस्टेड लोरी ने जो कॉन्सेप्ट दिया इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी हमारे पास आता है जो कहलाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का। किसका? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का। अब इस टर्म को समझने के लिए तो पहले हमें हर टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि भाई एसिड बेस को तो हम जानते हैं, पेयर का मतलब भी हम जानते हैं, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया? तो देखिए कॉन्जुगेट मीन्स ज्वाइंट टुगेदर एज अ पेयर। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि एज पेयर में ज्वाइनिंग होना, जोड़े की फॉर्म में इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट कहलाता है। ठीक है, अब जोड़े की फॉर्म में इकट्ठे कौन हो रहे हैं? एसिड और बेस के पेयर इकट्ठे हो रहे हैं, एसिड का भी पेयर बन रहा है, बेस का भी पेयर बन रहा है। अब वो इसी कॉन्सेप्ट में बन रहा है जो हमें ब्रोंस्टेड लोरी ने कॉन्सेप्ट दिया ना, इसी में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है जो कहलाता है एसिड बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस एंड पेयर। अब ये क्या चीज़ है? देखो अब इसी रिएक्शन को अगर हम देखते हैं, इसी रिएक्शन को जिसको हमने ऊपर एग्जाम्पल में समझा, एसिड कौन सा है जो अपना एच प्लस दे रहा है यानी अपना प्रोटॉन दे रहा है, और बेस कौन सी है जो अपने अपना प्रोटॉन उसका दूसरे का प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है। अब इसकी वजह से क्या बन रही है? एक प्लस साइन बन रहा है और एक माइनस साइन बन रहा है। ठीक है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को जब प्रोटॉन दे रहा है तो उसकी वजह से वो दूसरा क्या बन रहा है? एक और फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब उसकी ये जो फॉर्म्स बन रही है ना किसी दूसरे की वजह से, ये इसकी वजह से पेयर बना रहे हैं, इसकी वजह से पेयर बना रहे हैं। ठीक है, देखो इस बात को मैं मज़ीद डिफाइन करती हूँ। देखो अब हमें ये बात पता है, क्लास टेंथ केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर वन में पढ़ चुके हैं कि ये कौन सा एरो होता है? रिवर्सिबल एरो। ठीक है, और ये क्या शो करता है? कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी जो चीज़ यहाँ बन रही है वो अगेन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जो चीज़ यहाँ है वो अगेन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज़ अ रिवर्स रिएक्शन। ये क्या है दोनों? इस तरह के रिएक्शन क्या है? रिवर्स रिएक्शन होते हैं। तो अब देखिए सी एल आइन जो यहाँ पर बना, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, सी एल आइन इज़ अ बेस, सी एल आइन बेस बन रही है। क्यों? एज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड एच थ्री ओ प्लस आइन। क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो सी एल क्या कर रहा है, ये सी एल आइन इससे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके सी एल माइनस आइन बन रहा है। ये कॉन्सेप्ट भी हमें पता है कि जिसके ऊपर माइनस साइन कब आता है? जब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो देखो एच सी एल माइनस आइन एच थ्री ओ प्लस से अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या बन, एज अ बेस बिहेव कर रहा है। और एसिड कौन सा है? एच थ्री ओ प्लस, क्योंकि वो क्या कर रहा है? अपना प्रोटॉन दे रहा है। यानी ये बात यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, ये आगे भी कंटिन्यू चल रही है एसिड बेस वाली कहानी। तो उसकी वजह से क्या हो रही है? एसिड बेस के पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो सो वी सी एग्जाम्पल नंबर टू। तो अगर हम एग्जाम्पल नंबर टू की बात करें, सी एल आइन इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। अब ये सी एल आइन क्या है? सी एल आइन जो है वो एच सी एल की कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कॉन्जुगेट बेस। एंड एच थ्री ओ प्लस आइन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस एच टू ओ। और एच थ्री ओ प्लस जो बना था वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा, लेकिन किसका कहलाएगा? अपनी बेस का कहलाएगा। ठीक है जनाब, तो एसिड से प्रोटॉन गया, ठीक है, तो वो एसिड कहलाया क्योंकि वो प्रोटॉन दे रहा है, जिसने एक्सेप्ट किया वो बेस के लिए, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करिए, उसकी वजह से आगे भी पेयर्स बन रहे हैं और उनमें भी एक्सेप्टेंस का और डोनेशन का काम हो रहा है। तो उसकी वजह से वो अपने एसिड्स के कॉन्जुगेट बेस कहला रहे हैं और अपनी बेस की कॉन्जुगेट एसिड कहला रही है। कहानी वही चल रही है, प्रोटॉन को डोनेट करने की और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। तो देखिए इन दिस वे इट मीन्स एवरी एसिड प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब है, इस पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या हुआ? इस पूरी कहानी का कंक्लूजन ये है कि हर एसिड अपनी एक कॉन्जुगेट बेस बनाता है और हर बेस अपनी एक कॉन्जुगेट एसिड बना रहा होता है, और इस तरह से कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर बन जाता है। यानी जो एसिड था उसने अपना कॉन्जुगेट बेस बनाया,
जो बेस थी उससे हमने कॉन्जुगेट एसिड बनाया, तो क्या कहलाया? पेयर बन रहे एसिड और बेस के, तो ये क्या कहलाएंगे? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इस तरह से इसके लिए क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, तो जो ब्रॉन्सन डोरी का कॉन्सेप्ट था कि प्रोटॉन देने वाला एसिड होगा, प्रोटॉन को लेने वाला बेस होगी, तो इसी को से आगे एक कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ वो किसका हुआ? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स का हुआ। यानी एसिड और बेस इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है, एक एज एसिड काम करता है, दूसरा एज बिहेव एज अ बेस काम करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो जो एसिड की तरह बिहेव करेगा वो अपना कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, जो बेस की तरह बिहेव करेगा अपना कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अब हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और एक्चुअल मीनिंग प्रॉपर मतलब क्या है। ठीक है, देखो कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय अ बेस। वही बात जो मैंने यहाँ पे समझाई कि जो बेस होगी वो अपना कॉन्जुगेट एसिड बनाएगी। ठीक है, और जो एसिड होगा वो अपना कॉन्जुगेट बेस बनाएगी। तो देखिए कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कैसे बनता है? इलेक्ट्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से बनता है। किससे? अपनी बेस से। यानी अगर हम H2O की बात करें, ठीक है, तो H2O की कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? Cl-, और Cl- कैसे बन रही है कॉन्जुगेट बेस? कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है। किससे कर रही है? H3O+ से कर रही है। ठीक है, तो H3O+ किससे बना है? H2O से। तो ये इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय अ बेस, के जो बेस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके बनेगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। और इसी का अपोजिट ले लो, फॉर्म बाय डोनेटिंग प्रोटॉन बाय एन एसिड। अब एसिड क्या करता है? प्रोटॉन को डोनेट करता है। अब उसके प्रोटॉन को डोनेट करने की वजह से क्या बन रही है? कॉन्जुगेट बेस बन रही है। देखो एसिड क्या करता है? प्रोटॉन को डोनेट करता है। ठीक है, अब एसिड के प्रोटॉन को डोनेट करने की वजह से क्या बन रही है? कॉन्जुगेट बेस बन रही है, जो क्या है? Cl-। और बेस की प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से क्या बन रही है? कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो क्या होता है कॉन्जुगेट एसिड? क्या होता है जो कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है कि एसिड क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो प्रोटॉन को डोनेट एसिड जो प्रोटॉन डोनेट करेगा ना, तो उसकी वजह से जो फॉर्म बनेगी वो उसकी कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। ठीक है, और जो बेस होगी वो क्या कर रही है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है, तो उसकी वजह से जो आगे बनेगा वो उसका कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? देखो तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट को लिखी हुई है। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? इट इज़ फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय अ बेस। कॉन्जुगेट एसिड वो होता है जो अपनी बेस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से बनता है। और कॉन्जुगेट बेस क्या होती है? इट इज़ फॉर्म बाय डोनेटिंग प्रोटॉन बाय एन एसिड। एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने की वजह से जो फॉर्म बनती है वो क्या कहलाती है? कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। अब हम इन कॉन्जुगेट एसिड और बेस को मजीद समझ लेते हैं इस एग्जाम्पल से। देखो हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है CH3COOH, एसिटिक एसिड कहलाता है। अब देखो ये एसिड है, अगेन वाटर यहाँ पे एज अ बेस बिहेव कर रहा है। क्या होगा? एसिड क्यों कहलाया है? क्योंकि अपना H+ दे रहा है, अपना H+ दे रहा है। किसको दे रहा है? वाटर को दे रहा है। अगेन हमें पता है कि जब भी वाटर के पास H+ आएगा तो वह क्या बनाएगा? H3O+। तो देखो एसिड क्या बना रहा है? CH3COOH, यानी इस तरह प्रोटॉन दे दिया। किसको दे दिया? वाटर को। और वाटर क्या, वाटर ने क्या बनाया? H3O+ बनाया। ठीक है, क्योंकि इसने प्रोटॉन दिया तो इसीलिए क्या कहलाया? एसिड। इसने प्रोटॉन लिया इसीलिए क्या कहलाया? बेस। अब इनकी वजह से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनेगा। कैसे? अब देखो एसिड ये रहा CH3COOH, इसकी वजह से क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस बनेगी। ठीक है, क्यों? इसने प्रोटॉन को डोनेट किया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या बना? इसका कॉन्जुगेट बेस बनी। H2O ने क्या किया? प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, और उसका क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ठीक है जनाब, इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल देख लो। अब वाटर NH3, अब यहाँ पे वाटर एज अ एसिड बिहेव कर रहा है। ठीक है, और NH3 एज अ बेस बिहेव कर रही है। वाटर क्यों एज एसिड बिहेव कर रहा है? क्योंकि यहाँ ये अपना प्रोटॉन रिलीज कर रहा है और NH3 प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है। तो ये तो हो गया एसिड और ये हो गई बेस। अब आते हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की तरफ। तो देखो H2O ने प्रोटॉन दिया तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? यानी ये बात समझ लो कि एसिड का अपोजिट उसका बेस पेयर होगा। ठीक है, एसिड की कॉन्जुगेट बेस बनती है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनता है। सही है, तो देखो वाटर क्योंकि एसिड बिहेव कर रहा है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगी? NH4+। NH2 इज अ बेस बिहेव कर रही है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? OH-। अब ये क्यों बन रहा है? क्योंकि एसिड ने प्रोटॉन को दिया तो एसिड प्रोटॉन को रिलीज करेगा तो उसकी वजह से क्या बनेगा? NH4+। तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाई।
इसी तरह से NH3 ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। अब इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से क्या बना, OH माइनस, तो ये क्या कहलाया इसका कॉन्जुगेट, एसिड। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे पढ़ते हैं, जो हमारे पास इस कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक है वो क्या है। जैसे हमने पीछे वाली क्लास में भी पढ़ा था कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी रिसर्च बेस्ड चीज़ आती है, तो हाँ आगे जाकर कुछ उसके लिमिटेशंस होते हैं कि भाई ये चीज़ इस टाइम तक वैलिड है, फर्दर हम इसको आगे चीज़ों पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट। तो फिर उसमें कुछ चीज़ें, यानी उसमें कुछ लिमिटेशंस रखी जाती हैं कि भाई फर्दर जो चीज़ें स्टडी की जाती हैं उन पर ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं रहती, तो फिर हमें एक नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। तो ब्रॉन्स्टेड लोरो ने जो कॉन्सेप्ट दिया प्रोटॉन ट्रांसफ़र का, और उस बेस पर अपनी एसिड बेस की डेफिनेशन पेश की, तो इनकी भी कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस थी कि इन्होंने भी कुछ एक्सप्लेनेशंस दी और कुछ एक्सप्लेनेशंस नहीं दी, तो उनकी उन इनकी वजह से फिर इनका भी कॉन्सेप्ट कुछ हद तक वैलिड रहा, लेकिन फिर आगे मज़ीद नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी। तब हम देख लेते हैं कि इनकी लिमिटेशंस क्या थी, या इन्होंने किन चीज़ों को एक्सप्लेन किया और किन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया, जिसकी वजह से मज़ीद इनकी थ्योरी को आगे नहीं लेके जाया गया और फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया। इनकी थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस क्या थी, यानी इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशंस दी और क्या एक्सप्लेनेशंस नहीं दी, जिसकी वजह से फिर हमें नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी। तो देखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग नो टेंडेंसी टू लूज एच प्लस प्रोटॉन। अब इन्होंने ये तो हमें बता दिया कि जो सब्सटेंस एच प्लस रिलीज करेंगे वो एसिड्स होंगे और जो एक्सेप्ट करेंगे वो बेसिस होंगी, लेकिन इन्होंने उन कंपाउंड्स की एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया जो अपना एच प्लस आयन नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है तो कहाँ से देगा। AlCl3 कोई प्रोटॉन नहीं है, SO3 कोई प्रोटॉन नहीं है इनके पास, तो इनकी एसिडिक नेचर तो है बट क्योंकि ये प्रोटॉन अपना नहीं लूज कर सकते, तो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि फिर इनकी एसिडिक नेचर किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी बात, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग OH- आयन। अब इन्होंने उन कंपाउंड्स की बेसिक नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं किया जिनके पास OH आयन्स होते हैं, ठीक है, यानी जिनके पास OH आयन्स हैं वो कैसे एज अ बेस बिहेव करेंगे, इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया इन्होंने। मिसाल के तौर पर NaOH के पास OH है, COOH O2 के पास OH है, KOH के पास OH है, यानी अगर हम इनके प्रोटॉन के लिहाज से कॉन्सेप्ट की बात करें, प्रोटॉन देने वाला और प्रोटॉन लेने वाला, तो उसके कॉन्सेप्ट उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग लेकर चलें तो उस कॉन्सेप्ट में हम फिर बाकी कंपाउंड्स को एप्लीकेबल नहीं करा सकते उनके ऊपर, क्योंकि उनके पास प्रोटॉन लॉस करने की एबिलिटी है ही नहीं, तो वो कैसे उनकी एसिडिक नेचर को फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, तो ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की। और जिनके पास OH आयन्स होती हैं जो बेसिस कहलाती हैं, तो उनकी बेसिक नेचर को फिर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे एज अ प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो ये भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो ये थी ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस, यानी ये इस हद तक वैलिड था और उन्होंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया। तो जब इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया तो हम इनके इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद आगे लेकर नहीं चल सकते थे, तो फिर एक नए कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ी। एक तीसरा कॉन्सेप्ट था जो क्या कहलाया, लेविस कॉन्सेप्ट कहलाया। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लेविस कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने वही बात लिखी हुई है, दो सब्सटेंसेस विच एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस, वो सब्सटेंसेस जो एज एसिड भी बिहेव करते हैं एज अ बेस भी बिहेव करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक कहलाते हैं, जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया। लाइक वाटर, वाटर कहीं पर हम देखते हैं वो एज एसिड बिहेव कर रहा होता है, कहीं पर एज अ बेस बिहेव कर रहा होता है, तो वो सब्सटेंसेज जो दोनों तरह से बिहेव करते हैं वो एम्फोटेरिक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर वाटर। तो होप्स हो कि आपको ब्रॉन्स्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लेविस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़ नासिर।